अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? वेलकम टू शेफ शफक वीडियोस एंड शफक व्लॉग्स। और कैसे हैं? कल मैं नहीं आ सकी, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर में और मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि आज ही बना दूँ। आज भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं आ गई। आज क्या सीखना चाहते हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगी, सॉरी, आज मैं सिखाऊंगी कि स्ट्रेटनर से कैसे कर्ल्स किए जाते हैं बाल, और टोंग से कैसे कर्ल्स किए जाते हैं। और ये जो टोंग है ये है रिमिंगटन का, शाइन थेरेपी है ये। और इसका नंबर है, इसका नंबर मुझे नहीं याद आ रहा है, काफ़ी पुराना हो गया है ये, लेकिन इससे भी कर्ल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आज आपको कर्ल्स बनाना सिखाऊंगी, और ये कर्ल्स जो हैं आपको लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, और इंशाल्लाह आप घर में बैठे सीखिएगा। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से ही हासिल होगा सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसे थोड़ा छोड़ देना, बाद में बनाना, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने जो है स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किए हैं, और ये जो है ये मेरी लड़की ने टोंग से स्ट्रेट किए हैं और कर्ल्स किए हैं, सॉरी। तो आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, इसको करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आप करेंगी और इस तरीके से आप इसको लपेटेंगी अच्छे तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको होल्ड रखेंगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ब्लो ड्राई का इफेक्ट आएगा, और इस तरीके से कंडेंस करेंगे तो इस आएगा, इस तरीके से करेंगे तो इस आएगा। इसी तरह स्ट्रेटनर है, उसी तरह इसको खोलें और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, स्प्रे करें, लॉन्ग लास्टिंग होंगे आपके कर्ल्स, कहीं नहीं जाने वाले, बहुत अच्छा लुक है। आप दोनों साइड से मेरे देख सकती हैं कि इधर जो है थोड़े से खुल गए, क्योंकि मेरे केराटिन हुए हुए हैं तो इस तरह बाल खुल गए हैं मेरे, मैंने स्प्रे नहीं किया, इधर भी मैंने स्प्रे नहीं किया, लेकिन ये बहुत टाइटली हुए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कर्ल्स, और मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो प्रैक्टिस कीजिए और विज़िट माई सैलॉन। और मौसम चेंज हो गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम चेंज हो, बहुत सब डेंगी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्प्रे करें, और अब घर से बाहर जाएँ तो फुल स्लीव पहन।
इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बिल्कुल मत भूला करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।